नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो लोग औरों के मुकाबले ज्यादा फिट और कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जितना काम होता है उतना ही काम की टेंशन होती है, तो ऐसे में एक अच्छी नींद ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप रात को सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में न जाने कितनी बातें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको काफी देर तक नींद ही नहीं आती है। पर घबराइए मत दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि छोटे मोटे बदलाव करके आप एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। रात को कम खाना खाना चाहिए। रात को अच्छी नींद का न आने का कारण आपका ज्यादा खाना भी हो सकता है। होता यूँ है कि जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो अच्छी नींद लेने के लिए आपको रात को कम खाना चाहिए। कम खाने की वजह से आपको रात को नींद जल्दी आएगी और अगले दिन सुबह उठकर आपको भूख भी जल्दी लग जाएगी, जिससे आप अपना ब्रेकफास्ट भी मिस नहीं करेंगे। आपकी एक आदत आपकी कई आदतों को बदल सकती है। दोस्तों, अपनी लाइफ को बिजी रखना चाहिए। आप अपनी डेली लाइफ में जितना बिजी रहेंगे उतना आपकी बॉडी थकेगी और उतनी ही अच्छी नींद आपको रात में आएगी। इसका कारण ये है कि जब आप दिन भर के थके होते हैं तो आप जैसे ही बेड पे लेटते हैं वैसे ही आपको नींद आ जाती है। टाइम से सोना और टाइम से उठना चाहिए। दोस्तों, सोने का एक प्रॉपर टाइम और उठने का भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। आपकी बॉडी को भी पता होना चाहिए कि किस टाइम पे सोना है और किस टाइम पे उठना है, तभी आपकी बॉडी को उस टाइम की आदत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप एक दिन एक टाइम पर सोएंगे तो अगले दिन भी आपको उसी टाइम पर नींद आनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप वो टाइम मिस कर देते हैं तो आपकी नींद का साइकिल बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, सोने का टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स का मानना है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का टाइम सोने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, और इस तरह से अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को और फिट करने के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सोते टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और अंधेरा होने पर आपको नींद आने में हेल्प होती है। नींद के टाइम पर अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का यूज करते हैं तो आपके हार्मोन्स बिखर जाते हैं, जिस कारण आपको नींद नहीं आती। तो ध्यान रखें कि जब भी आप सोने के लिए रेडी हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज ना करें। अच्छी नींद लेने के लिए आप सोने से पहले नहा भी सकते हैं। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है तब आपके नींद आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे में आप सोने से पहले नहा सकते हैं, जिससे आपको नींद जल्दी आ जाएगी और वो भी एकदम गहरी वाली। कभी कभी लाइट ऑन करके सोने में भी दिक्कत होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते समय हमें सोने में दिक्कत होती है, उसी तरह लाइट ऑन करके सोने से भी हमें दिक्कत हो सकती है। अगर आपके सोते टाइम लाइट खुली रहती है तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि सोना है या उठना है, इसी वजह से आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो अपनी लाइट को बंद करके सोने की कोशिश कीजिए। रिसर्च से पता चला है कि रात को सोने से पहले बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से आपका दिमाग हल्का और तनाव कम हो जाता है। बुक्स पढ़ने का एक फायदा और भी है कि बुक्स पढ़ते पढ़ते जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि रात को कोई डरावनी या सस्पेंस थ्रिलर टाइप बुक्स ना पढ़ें। ऐसी बुक्स पढ़ने से आपको नींद तो नहीं आएगी पर सारी रात डर जरूर लगता रहेगा। और दोस्तों, रात के टाइम कॉफी या चाय का सेवन ना करें। कॉफी या चाय पीने से भी आपकी नींद उड़ सकती है। कॉफी या चाय हम तब पीते हैं जब हमें तरोताजा फील करना होता है और हमें बहुत सारा काम करना होता है, तो अगर आप रात को कॉफी या चाय पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी नींद उड़ जाएगी और आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इन सारी टिप्स को जरूर अपनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन टिप्स की वजह से क्या आपको नींद आने में थोड़ी मदद हुई। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।